इसराइल ने ईरानी हमले के 6 दिन बाद शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे जवाबी कार्यवाही की है। इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फाहान को निशाना बनाया है। हमले ईरान के एयरबेस पर हुआ है। इसके अलावा इराक और सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की गई है। हमला ईरान के सुप्रीम लीडर के अली खोमेनी के 50वें जन्मदिन पर हुआ है। हालांकि इसराइल ने अब तक हमले की पुष्टि नहीं की है। वह ईरान ने कहा है कि उन्होंने इस्फाहान में 3 ड्रोन्स को मार गिरा है। इससे पहले 13 अप्रैल को ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। हमले को रोकने में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने इसराइल की मदद की थी। इसराइल ने कहा था कि ईरान की 99% हमले को रोक दिया गया है। ईरान के हमले के बाद इसराइल ने बदला लेने की चेतावनी दी।